नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं गीतांजलि और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जो कि सोसाइटी और ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है। हम बात करेंगे एनिमल वेलफेयर की और इसीलिए आज हम आप सभी को ले आए हैं देश के सबसे बड़े एनिमल केयर सेंटर में, जो कि 4 एकड़ से भी ज़्यादा में बना हुआ है और भारत की राजधानी दिल्ली में पिछले 40 साल से हर प्रकार के जानवर की सेवा कर रहा है। We are talking about Sanjay Gandhi Animal Care Center. People for Animals, PFAగా పిలవబడే ఈ సంస్థ ఇప్పుడు మూగజీవాల పట్ల కల్పతరువుగా మారింది. ఇండియాలో అతిపెద్ద జంతు సంక్షేమ సంస్థగా పేరు పొందింది. ప్రతి జంతువు ప్రాణాన్ని కాపాడేందుకు సంజయ్ గాంధీ యానిమల్ కేర్ సెంటర్ పేరుతో హాస్పిటల్ కూడా ప్రారంభించారు. 1980లో ప్రారంభించబడ్డ ఈ హాస్పిటల్ ఇప్పుడు ఇండియాలోనే అతిపెద్ద యానిమల్ వెల్ఫేర్ నెట్వర్క్. 24/7 ఇక్కడ జంతువులకు ట్రీట్మెంట్ అందిస్తున్నారు మేనకా గాంధీ. కొద్ది మందితో ప్రారంభమైన ఈ సంస్థ ఇప్పుడు 42 షెల్టర్స్తో 165కు మించి యూనిట్స్తో 500,000 మంది సభ్యులతో ఇండియాలోనే లార్జెస్ట్ యానిమల్ వెల్ఫేర్ ఆర్గనైజేషన్గా మారింది. ప్రతి నెల వేల సంఖ్యలో జంతువులకు ట్రీట్మెంట్ ఇస్తూ మూగజీవుల ప్రాణాలు కాపాడుతోంది. कोई भी जानवर जो मदद की ज़रूरत है, जिसको मदद की ज़रूरत है शहर से, कोई भी जानवर, चाहे वो ऊंट हो, चाहे सुअर हो, चाहे बिल्ली, कुत्ता, गाय, बछड़ा, कोई भी जानवर जो शहर में का की मदद की ज़रूरत होती है, वो यहाँ पे खुशी से हम उसकी देखभाल कर सकते हैं। एक तो ये 24 घंटे का हॉस्पिटल है, जो मेरे ख्याल में पूरे शहर में एकमात्र 24 घंटे का हॉस्पिटल है जानवरों के लिए। दूसरी बात, हमारी 24 घंटे की एम्बुलेंस सर्विस चलती है जो हेल्पलाइन से जुड़ी हुई है। जैसे कि अगर कोई फ़ोन करे कि यहाँ पे जानवर घायल पड़ा है, बीमार पड़ा है, अबैंडन है, तो हमारी गाड़ी जाकर उस जानवर को उठा सकती है। आज हम एक बहुत ही खास मेहमान से बात करेंगे जो अपने समर्पण और समर्थन के लिए जानी जाती है, श्रीमती मेनका गांधी जी। वो एक प्रमुख राजनीतिक, समाजसेवी और जानवरों के कल्याण और अधिकारों के लिए सक्रिय रूप से काम करने वाली एक दिग्गज शख्सियत हैं। अपने लगातार प्रयासों से मैडम ने पशु कल्याण कानून, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और क्रूएल्टी फ्री लाइफस्टाइल को बढ़ावा देने के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में सक्सेसफुल चेंजेस किए हैं और संजय गांधी एनिमल केयर सेंटर उन्हीं प्रयासों में उनका शुरुआती कदम रहा है। तो आइए स्वागत करते हैं श्रीमती मेनका गांधी जी का। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो मैम, आज हम संजय गांधी एनिमल केयर सेंटर में मौजूद हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस हॉस्पिटल को शुरू करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मैं जब से मैं छोटी थी, मेरी एक ख्वाहिश थी कि एक अस्पताल बने जी। फिर मेरी शादी हो गई, मेरे पति ने मुझे कुछ ज़मीन दी थी, वो ज़मीन हमने किसी और को पकड़ा दी और उन्होंने एक छोटा सा हॉस्पिटल बनाया। अच्छा। फिर उनका देहांत हुआ और जब मेरे पति का देहांत हुआ तो उन्होंने मुझे कुल मिला करके दुनिया में 8 लाख रुपए छोड़े। अब मैंने सोचा इस 8 लाख रुपए से ज़िंदगी तो नहीं बिताऊँगी मैं, तो इससे अच्छा कि मैं अस्पताल ही बना दूँ। तो हमने एक छोटा सा अस्पताल बनाया इसी ज़मीन पर। अच्छा। 8 लाख रुपए से जी, और वो चलता गया और जैसे जैसे पैसे आते गए, हम लोग एक कमरा इधर, एक कमरा इधर, एक कमरा इधर बनाते गए और ये 40 साल के लिए चलता रहा जी। ये हिंदुस्तान का सबसे पहला एनिमल शेल्टर था और आज सबसे बड़ा भी है जी। एक हमने कोशिश की इसको एक मिसाल बनाए ताकि पूरे देश में लोग देखें और अपने अपने जगहों में शेल्टर बनाए। लेकिन एक वक्त आ गया कि जब ये बना था तो ये 200 जानवरों के लिए बना और बिना आर्किटेक्ट के, बिना कॉन्ट्रैक्टर के मैं बैठ बैठ करके बनाती थी। अच्छा। तो मैं, हाँ मेरी उम्र थी क्या 24 साल की, तो वेरी यंग एंड देयर वर नो आर्किटेक्ट्स इन दिस कंट्री फॉर एनिमल शेल्टर्स। सो जितना और 8 लाख रुपए ही थे, सो वी मेड व्हाटएवर वी कुड एंड देन वी केप्ट एडिंग। और फिर उसके बाद 40 साल के बाद हमें महसूस हुआ कि 8,000 जानवर हैं,
where to put them, बतख से लेकर के, मुर्गी से लेकर के, चूहे से लेकर के, ऊंट से लेकर के, कुत्ते अकेले 3,000। मैं वही जानना चाहती थी कि कितने जानवर हैं इस हॉस्पिटल में और किन किन प्रकार के जानवर यहाँ मौजूद हैं। जी सब कुछ, आप गिनी पिग्स, बिल्ली, अच्छा, सुअर, बकरी, घोड़े, सब कुछ जो मुश्किल में है यहाँ हम लोग ले आते हैं। जी तो अभी तो 6,000-7,000 हर वक्त होते हैं। जी हमारे पास 5 एम्बुलेंसेस हैं और दिन में करीबन 20 से लेकर के 50 रेस्क्यूज करते हैं। जो लोग फ़ोन करते हैं कि यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ यू नो इस किस्म की चीज़ें, हम उनको ले आते हैं। मतलब जिन जानवरों को ज़रूरत है उनके लिए आप। उसके अलावा एक OPD चलती है जिसमें 200-250 लोग रोज आते हैं। अच्छा। क्योंकि हम पूरे देश में सबसे सस्ते हैं। वही मैं फैसिलिटीज के बारे में जानना चाह रही थी कि यहाँ पर इतने सारे जानवर हैं तो उनके लिए क्या क्या किस किस प्रकार की फैसिलिटीज यहाँ पर अवेलेबल है। हर फैसिलिटी है, 10-11 हर वक्त बेड्स होते हैं। एक OPD है जिसमें से एक्सरेज भी है, ब्लड टेस्ट भी है, पूरी लेबोरेटरी पर बनी है। अच्छा। और ताकि एक ही जगह में सब कुछ हो जाए और वो भी सस्ते में। अच्छा। क्या ICU है, बड़े जानवरों के लिए ICU है, छोटे के लिए ICU है। ICU मतलब जो बहुत ही मुश्किल में रात वाले। फिर हमारा 24 घंटे चलता है रात को भी, ये कोविड में भी हम लोग चला रहे थे 24 घंटे। तो ऐसे में जैसे आप बता रहे हैं कि 24 घंटे ये हॉस्पिटल चलता है और कोविड के दौरान भी चलता रहा, तो ऐसे में काफ़ी चैलेंजेस आपने फेस किए होंगे, तो किस किस प्रकार के चैलेंजेस आपको देखने पड़े। सबसे पहले चैलेंज तो ये है कि स्टाफ, स्टाफ तो हमारे पास 130 है, लेकिन डॉक्टर्स जो हैं आते हैं यहाँ, हम उनको ट्रेन करते हैं और फिर उनको सरकारी नौकरी मिलती है। अच्छा। जहाँ उनको कभी ज़िंदगी में काम नहीं करना पड़ता। और चैलेंज ये है कि पैसे ढूंढना, ये सबसे बड़ा चैलेंज। ये हॉस्पिटल में हम खर्चा हर महीने करते हैं करीबन 55 लाख। अच्छा। उसको कमाना 300-300 रुपए की फीस लेकर के, वो भी अपने आप में एक चैलेंज है, लेकिन हम करते हैं। हमारे पास करीबन 600-800 भैंस और गाय भी हैं। अच्छा। तो उनके लिए भी खाना ढूंढना, सब कुछ करना, ये हम करते हैं। अच्छा। सब यहाँ मतलब भरपूर है सबके लिए। ये जो जानवर हैं, ये जो बड़े वाले जानवर हैं, गाय भैंस, ये कसाईयों से आते हैं। एक तरफ कसाईयों से हम बचा करके लाते हैं और दूसरी तरफ एक्सीडेंट केसेस हैं। अच्छा। तो यू नो, लोग गाय को मार करके सड़क पर ही छोड़ देते हैं, फिर हम ले आते हैं। मैं आपको ICU इसके बाद दिखाती हूँ। हमारे पास करीबन 300 तो बिल्लियाँ, जो एक्सीडेंट केसेस हैं या बीमार होकर के लोग, अच्छा, लोगों को इतनी अकल नहीं है कि बिल्ली 3 दफ़ा साल में बच्चे देते हैं, तो वो ले लेते हैं 2 बिल्लियाँ, फिर 2 के बन गए 14 और फिर यहाँ आकर के रात को फेंक देते हैं। हाँ, नॉलेज नहीं है लोगों के पास, लेकिन अपने शौक के लिए। हाँ, शौक के लिए। जी तो ऐसे में मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसा आपने बताया कि 40 साल पुराना है ये हॉस्पिटल, तो अब जाकर आपने इसे रीबिल्ड करने का सोचा। अभी 3 साल से हम लोग रीबिल्डिंग ही कर रहे हैं, तो जैसे जैसे पैसे आ रहे हैं, ताकि सब लोग खुश होकर के। मैं बहुत बहुत सालों के लिए जीऊंगी नहीं, हर एक इंसान का अंत होता है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद कोई ऐसा अस्पताल बनाएगा। तो इससे अच्छा कि हम अच्छे से अच्छा बना करके जाए, चलाने के लिए तो कोई भी चला लेगा, ऑर्गेनाइज तरीके से इसको बनाना मुश्किल है। जी। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं बना लूँ। ये अब एशिया में सबसे बड़ा है। जी तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ, आपने फैसिलिटीज़ के बारे में बताया और किन किन प्रकार के जानवरों का यहाँ पर ट्रीटमेंट होता है उस बारे में हमें बताया, आगे इन फ्यूचर आपका इस हॉस्पिटल को लेकर क्या विजन है। एक ट्रेनिंग सेंटर मैं बनाना चाहती हूँ। जो लोग अपने शेल्टर्स में काम करना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ कि डॉक्टरों के ट्रेनिंग सेंटर बन जाए। जी। कि वो आकर के नाना किस्म की चीज़ें और सीखें। मैं चाहती हूँ कि और भी जानवर के हम लोग, दिल्ली में ये अकेला अस्पताल है,
सरकार के पास होने चाहिए 79 हॉस्पिटल्स थे, उनके लिए जगह अच्छा। थे, उन्होंने 79 के 79 बंद है। अच्छा। लोग यहाँ आते हैं। अच्छा। तो उन्होंने अपने तरफ से कोई कोशिश नहीं की, ना दवाइयों की ना अस्पतालों की। अच्छा, उनके पास 200 से ज्यादा डॉक्टर होंगे, एक भी कंपनी आता, मतलब दिखाने के लिए अस्पताल है लेकिन वहाँ कुछ कमरे हैं, उनके अंदर रुई तक नहीं है। अच्छा। तो फिर जिन लोगों को मुसीबत होती है वो यही आ जाते हैं। तो आगे भी आप ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करती रहें सबके लिए, बस यही आपका। और हम चाहते हैं कि जैसे जो लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, देखिए सामाजिक और आर्थिक बहुत बाधाएं आती हैं, तो ऐसे में कैसे कोई व्यक्ति इस अस्पताल में आकर अपने पेट का इलाज करा सकता है, कैसे यहाँ आ सकता है? जैसे आते हैं, मतलब कोई पर्टिकुलर कोई प्रोसीजर है या नहीं? यहाँ आते हैं, ओपीडी में रजिस्ट्रेशन करते हैं। अच्छा। और फिर उनका इलाज होता है। अच्छा। और फीस की जैसे हम बात कर रहे थे, फीस मैं लेती हूँ 300 रुपये। अच्छा। और फिर उसके बाद अगर उनने एक्सरे करवाना हो हाँ। तो हम थोड़ा सा ले लेते हैं, ज्यादातर मार्केट में एक्सरे 5000 में होता है, यहाँ 1000 से कम में होता है। अच्छा। तो क्योंकि वो एक्सरे हमारा नहीं है, वो हमने MOU किया है किसी के साथ जी। फिर अगर ब्लड टेस्ट की जरूरत है वो भी बहुत सस्ते में होता है। अगर स्ट्रीट एनिमल है जिसको हमने रेस्क्यू किया, वो तो हर चीज मुफ्त है। अच्छा। 300 रुपये भी नहीं, वो तो जो है सो। तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप कह रही थी कि जनता के सहयोग से ये अस्पताल जो है वो आगे चलता रहेगा, तो ऐसे जो व्यक्ति यहाँ पर आपकी सहायता करना चाहता है या सहयोग या कॉन्ट्रीब्यूशन बेसिकली हम कहें, तो वो किस प्रकार से जुड़े? हमारे पास इनकम टैक्स की रिबेट है, ATG। अगर कोई देना चाहे तो हम बहुत ही आभारी होंगे, क्योंकि लोग अस्पतालों को देते हैं जी। ये भी तो अस्पताल ही है जी। और उसमें वो जीव बचते हैं जो कभी नहीं बच पाते जी। तो ये जो 50 रोज आते हैं हमारे एम्बुलेंसेस के जरिए, वो सड़क पर ही पड़े रहे। ये मैं आपको घोड़े दिखाऊंगी जिनके 3 टांगे हैं, सड़क पर छोड़ दिए। और हम यहाँ ही नहीं है, हमारे पास 30 अस्पताल है पूरे हिंदुस्तान में, इतने बड़े तो नहीं है, लेकिन ये अस्पताल अगर नहीं होते तो कुछ भी नहीं होता जानवरों के। और बहुत जरूरी है, ये दुनिया जो है इंसानों की है, हम लोग अगर रहम नहीं करेंगे दूसरे जीवों पर तो कहाँ जाएंगे? हमारी गाड़ियाँ उनको मारती हैं, हमारी बीमारियाँ उनको लगती हैं, हमारी बेरहमी से वो जूझते हैं। कोई सोचता भी नहीं है आकर के डंडा मार करके कुत्ते के ऊपर और चला जाए, लेकिन वो कुत्ते की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, फिर वो कहाँ जाए? हमारे पास करीबन 150 तो पैरालाइज्ड जानवर हैं, जो मार मार करके ही पैरालाइज्ड हुए। तो आप बता रही थी कि यहाँ पर क्रिमेशन का भी? हाँ, क्रिमेशन भी करते हैं, हम अकेले हैं दिल्ली में। अच्छा। तो लोग अगर आदर सत्कार से अपने जानवर को क्रिमेट करना चाहते हैं तो सरकार के पास तो कुछ भी नहीं है, वो तो कूड़ेदान में फेंको। तो हम लोग यहाँ क्रिमेशन का भी रखते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि एनिमल वेलफेयर, एनिमल रेस्क्यू आपके दिल के इतने करीब है, तो क्या कोई ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? नहीं, मेरे लिए तो मुझे फर्क दिखता नहीं है इंसानों में जानवरों में, मुझे तो केवल जीव दिखती है। और वो जीव जो मुश्किल में है, मैं अनाथ आश्रम भी चलाती हूँ भदोही। अच्छा। तो मेरे लिए तो सब एक है, जो भी मुश्किल में है और मेरे पास अगर ताकत हो उसको बचाने के लिए, तो वो ताकत का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग मुझसे ज़्यादा ताकत रखते हैं, लेकिन वो ताकत कोई काम की होती नहीं है, वो अपने लिए होती है या पैसे कमाने के लिए होती है। हम लोग जो मुझे 10 पैसे मिलते हैं तो मैं 10 पैसे दान करती हूँ, कभी कभी कुछ भी नहीं होता तब भी हम दान कर लेते हैं। तो यही हम सोचते हैं कि इससे आखिर आप और मैं क्या चाहते हैं जिंदगी से? खुशी। अगर कोई चीज खरीदने से खुशी मिलती है तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में कोई गड़बड़ है। अगर कोई खुशी मिलती है कोई चीज देने से या रक्षा करने से, वो आप वही कर रहे हैं जिसके लिए आप पैदा हो।
तो मैं अब ये भी जानना चाहती हूँ कि आप 40 साल पुराना है ये अस्पताल, तब से सक्सेसफुली ये चल रहा है, तो तब से लेकर अब तक में आपको क्या समाज में कोई बदलाव नजर आया जानवरों को लेकर? जी, जब मैंने शुरू किया था तो कोई नहीं आता था वॉलंटियरिंग के लिए। आज हर गली में पूरे देश में एक छोटी सी लड़की है जो निकलती है रात को चुपके चुपके डरे डरे से सहमे सहमे से जानवर को खिलाने, और 10 लोग होंगे खड़े होंगे उसको गाली देने के लिए, उसको धमकी देने के लिए, लेकिन वो लड़की रुकती नहीं। जी। ये बदलाव आया, एक बहादुरी, एक दिल खुला है, और मुझे सचमुच में आज के नौजवानों पर नाज है। वो जाते हैं चाहे पेट अपना खाली हो, लेकिन 2 जानवर को खिलाएंगे जरूर और उनके लिए लड़ते भी हैं। पुलिस में भी एक, क्योंकि इतने सारी शिकायतें आई हैं, तो वो भी उनके दिल खुल रहा है, मतलब उनकी नॉलेज बढ़ रहा है। बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जो समझते हैं कि अब एनिमल वेलफेयर को अपने दायरे में लाने की जरूरत है। ये बदलाव जरूर आया है। तो मैम, जाते जाते मैं चाहूंगी कि आप जो लोग हमारे ये इंटरव्यू देख रहे हैं उन्हें एक मैसेज दें कि वो किस प्रकार से योगदान दे सकते हैं, कैसे जानवरों की केयर कर सकते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। एक तो मेरा जो मोटो है, जो मैं हर ऑटोग्राफ पे लिखती हूँ, वो है ऑलवेज बी काइंड। समझो कि तुम उसकी जगह में हो। अगर आप उनकी जगह में होते तो आपके साथ क्या बर्ताव किया जाए, वो ये सोच करके आप बर्ताव करें। दूसरा ये है कि रोज सोचे पेड़ लगाए, पेड़ से लाखों लाखों जानवर बचते हैं, चिड़िए बचते हैं, सब लोग बचते हैं, इंसान भी बचते हैं। तीसरा, पानी रखते जानवरों के लिए। पुराने ज़माने में हर घर के बाहर एक नल होता था, आज आप ही वो नल लगवा दें। उसके बाद अगर थोड़ा सा आपका खाना बच जाए, थोड़ा सा कम खा लें, खाना बच जाए तो जानवर को दे दें, वो भी आपकी तरह खाने पर ही चलता है। अगर इतना कर ले, और दूसरा लड़ाई लड़े, अगर कोई आपको रोके, कोई आप देखते हैं कि जानवर को मार रहा है, रोके। और सबसे बड़ी बात कि आप मांस खाना बंद कर दें। चलिए, थैंक यू सो मच मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें इस अस्पताल के बारे में इतनी जानकारी देने के लिए। थैंक यू।